हेलो स्टूडेंट्स, यो वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3G के बारे में। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे हमारे आंसर्स हैं और जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपकी बुक में ही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, हेडिंग है आपकी इवेलुएट, ये सारे आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, लेकिन आप किस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बुक में तो कुछ प्रॉपर हेडिंग लिखी नहीं है। तो अगर आप चाहें लॉन्ग डिवीजन से तो वैसे कर लीजिए, अगर आप चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप वैसे कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर रूट 16/81। तो 16 किसका अंडर रूट होता है, मतलब 16 की अंडर रूट कितनी होती है, 4, और 81 का अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट 9। ये तो आपको याद होगा, क्योंकि 10 तक तो नॉर्मली हर किसी को याद ही होते हैं। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं, इसमें क्या ऊपर 64, नीचे क्या है 225। तो 64 का कितना हो जाएगा 8, और 225 का 15। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, ये आपके स्क्वायर रूट हैं। स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, बहुत सिंपल है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखा है 121, तो 121 किस मतलब 121 की वैल्यू क्या होगी, 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा 11, और 256 का कितना होगा 16। आपको निकालना है तो आप इस टाइप से निकाल लीजिए 256 का, तो आपके यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आएंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 16 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर क्या है इसमें न्यूमरेटर में 625, और नीचे क्या है आपका 729। तो 625 किसका होता है 25 का, और 729 किसका होता है 27 का। तो 25/27 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या करना है, आपको नीचे दे रखा है 36 और साइड से दे रखा है 3। तो सबसे पहले आप 3 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी नंबर आएगा उसको आप 13 में प्लस कर देंगे। तो 36 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आएगा। अब 108 में आप 13 को प्लस कर दीजिए, जब आप इसमें 13 को प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 121 और नीचे 36। अब 121 का क्या होता है 11, और 36 का 6, आप डिवाइड दे दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे क्या है 324 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 324 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296। अब आप इसमें प्लस कर दीजिए ऊपर वाला नंबर, मतलब 73। जब आप इसमें 73 प्लस करेंगे तो आपका 1396 हो जाएगा, और नीचे क्या आपका 324। आप इसको सॉल्व करिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 37/18। तो अगर आप इसका डिवाइड देंगे तो 18 × 36 वन रिमाइंडर बचेगा, वो आप ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे क्या कह रहा है, 3 है 3 होल 33/289। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 289 और 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 867। अब आप इसमें प्लस कर दीजिए 33। जब आप इसमें 33 प्लस कर देंगे तो आपके पास नंबर कितना बन जाएगा 900, और 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा 30, और 289 का 17। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए डिवाइड देके, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए एट वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 80/405। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्वेश्चन लिखा है आप उसको पूरा एक साथ लिख लीजिए, पूरा एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाइए और ये नंबर लिख दीजिए, आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 5 6 जा 30, 5 8 जा 5 1 जा। ठीक है, अब देखिए 16 किसका होता है 4 का, और 81 किसका होता है 9 का, तो आपका आंसर कितना आ गया 4/9। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, हमारे दो ही क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम देख लेते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। देखिए 1183 और 2023 है, ठीक है, 1183 आपके पास और 2023 है। अब आपको एक नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका डिवाइड आपका दोनों में चला जाए, तो वो नंबर आपका कितना होगा 7। अगर आप 7 से 1183 काटेंगे तो 169 बढ़ जाएगा, और 7 से अगर आप ये काटेंगे 289 बढ़ जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट 13 और 289 का 17, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखिए इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है हम वो देख लेते हैं।
जो आपको नंबर दे रखा है आप उसको पैम्फैक्टाइशन से भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग डिवीजन से तो आपके सामने हो ही रहा है, हम उसको पैम्फैक्टाइशन से देख लेते हैं। तो आप देखिए आपके पास 98 है, आप डिवाइड देंगे कितने से, 2 से, 49 बार, और फिर आपका 7 से जाएगा 7 बार, और फिर 7 से 1 बार, तो देखिए कितना हो गया 277। ओके मतलब 277 हो गया। आपके पास नंबर क्या है, 98 मल्टीप्लाई 162, आपने इसके फैक्टर करे कितना हो गया 277। अब आप 162 के फैक्टर करेंगे तो 162 के फैक्टर करने पे आपके पास नंबर क्या आ जाएंगे, 28 जा 21 जा, फिर 3 से 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो देखिए पहले 2 लिखेंगे, फिर आप 4 टाइम 3 लिख देंगे, 1 2 3 और 4। आप पेयर बनाइए, 1 पेयर बन गया 3 का, 3 का दूसरा पेयर बन गया, 7 का एक पेयर बन गया और एक पेयर 2 का बन गया। तो देखिए 2 हो गया, 7 हो गया आपके पास, 3 हो गया और 3 हो गया। अब 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, तो 49 जा कितना हो जाएगा 126, ये आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन से करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, आप इस नंबर को लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और पैम्फैक्टाइजेशन से करना चाहें तो आपके सामने कर ही दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ शेयर विद अस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।